जम्मू पुलिस ने हवाला मनी मामले में की रेड। हवाला मनी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज दलपत्तियों मोहल्ला और खड़ी के तालाब में हुर्रियत से जुड़े एक शख्स के घर दबिश दी और तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए। नगरोटा सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बता दें कि एक तेज रफ्तार कार के जम्बू जू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कार उधमपुर से जम्मू की तरफ आ रही थी और उसमें सवार 3 पुरुष पंजाब के निवासी थे। हिजबुल कमांडर सहित 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर। कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में से हिजबुल कमांडर अशरफ मौलवी भी शामिल था, जो कि 2013 से सक्रिय था। बारामूला से TRF के 2 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद। सुरक्षा बलों ने अपने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 कारतूस, 2 ग्रेनेड व अन्य सामग्री भी बरामद की गयी। सुहावने मौसम के बीच माता के दर्शन कर रहे श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जारी। कटरा में 2 दिन की बारिश व तेज हवाओं से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। इससे भवन सहित कटरा में वीरवार को भी मौसम सुहावना बना रहा। इसकी वजह से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दिन के समय उत्साह से आगे बढ़ते दिखाई दिए। उधर हेलीकॉप्टर, रोपवे व बैटरी की सेवा भी जारी रही। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर बोलते हुए अमित शाह ने मामले की जांच CBI से करवाने की बात कही। कोरोना की बूस्टर डोज पर सरकार ला सकती है नया नियम। देश में चौथी लहर की आशंका के बीच कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज लेने पर गैप कम किया जा सकता है। अभी फिलहाल बूस्टर डोज सिर्फ उन्हें दी जा रही है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजे 9 महीने पहले ली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस गैप को घटाकर 6 महीने किए जाने पर विचार किया जा सकता है।